नमस्कार। हमारे श्रमिक मंथ के खास प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधी में आज हमारे एक नए मेहमान कैंप ऑफिस के जीएम यहाँ पे मौजूद है अनिल शर्मा। आइए जाने की कोशिश करते हैं। खासकर स्वास्थ्य का सेवा देते आ रहे हैं और अभी निरंतर अभी प्रदेश में कुछ ही दिन हुए, महीने हुए इनको इस सेवा को देते हुए निरंतर देते आ रहे हैं। किस तरह की चुनौती को देखा, आइए सीधे ले चलते हैं अनिल शर्मा के पास। जी अनिल जी, सबसे सर्वप्रथम हमारे श्रमिक मंथ के खास प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधी आपका स्वागत है, वेलकम है। सबसे आपसे चर्चा जिस तरीके से आपका एक इस लाइन में खास प्रदेश के लिए नई कंपनी थी, आपके साथ सबसे पहले प्रथम चुनौती क्या थी? देखिए, नई कंपनी इस क्षेत्र में तो हम पहले भी अन्य प्रदेशों में काम करते आए, यहाँ पे भी मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाते हैं। हाँ, 108 इमरजेंसी सर्विस यहाँ की मूलभूत सर्विस है, तो इसलिए हमेशा टेस्टिंग तो होती है और एक बेंचमार्क होता है। पहले से कोई सर्विस चल रही होती तो उससे बेटर कैसे कर सकते हैं, पहले दिन से हमारा यही उद्देश्य था। और दो महीने के यदि प्रगति रिपोर्ट देखें तो हम संतोषपूर्ण मान सकते हैं। खासकर आपके कैंप कंपनी की बात करें तो कितने साल से इस सेवा वगैरह और अदर स्टेट में काम कार्यरत हैं, कितने साल हो गए आप काम करते हुए? लेकिन हम कैंप का जो उदय हुआ था 2001 में हो गया था, 2005 से हम स्वास्थ्य सेवा में काम कर रहे हैं। तो रिमोट, चाहे वो नक्सलाइड एरिया हो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो रिमोट एरिया में हमने पहले से ही काम किया हुआ और हिली एरिया। तो खासकर जिस तरीके से आपने आपके साथ चुनौती ये भी था कि पूर्व जो कंपनी जीवी की कंपनी थे उसके जो पूर्व कर्मचारी थे उससे सामना करना पड़ा, कहीं नहीं कि उसका कहीं आपको लगता है उसका फायदा मिला नुकसान हुआ? तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आंदोलन के रूप में लोग खड़े रहे। हमने पहले दिन से हमारी अप्रोच ये थी कि हमें जो इम्प्लॉय नियुक्त करने हैं तो उसमें हमने उनको वरीयता दी थी कि आइए आप जुड़िए। लेकिन जो कि ये टेंडर बेस पे हुआ था, पहले कैसे चलता था वो अलग मैटर है, अभी एक सेट पैरामीटर है हमारे, और लोगों को सर्विस देनी थी। तो किसी को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसको स्कोप ऑफ वर्क समझाते हैं कि भैया तुम्हें ये काम इस ढंग से करना। उसके लिए जो हमारे पास व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू देने आए 215 के करीब पुराने कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और जिसने अप्लाई नहीं किया तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे सकते, तो हम उनके लिए ओपन थे हमेशा। अनिल शर्मा जी, आप पर क्या सवाल भी उठे, काफी सारे मीडिया ने इसको दिखाया, लोगों ने उठाया इसको, जो आपके यहाँ जो प्रशिक्षित टीम जो है एक्सपर्ट टीम नहीं है उसको कैसे मैनेज किया? दो महीने कम समय होता आपको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो उसको भरपाई कैसे कर पाए? देखिए, कॉल सेंटर में जो पहले से स्टाफ कर रहे काम कर रहे थे लगभग 95% वही लोग हैं, तो यदि वो पिछले 10 साल से काम कर रहे थे तो ये बोलना कि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं थे तो मैं ये बात हास्यास्पद मानू। दूसरी बात यह है, ड्राइवर की बात करते हैं, पायलट होता है एम्बुलेंस चलाने के लिए, आरटीओ को लाइसेंस इशू करता है, 5 साल का एक्सपीरियंस हमने पैरामीटर रखा हुआ है, उसके बाद खुद टेस्टिंग करते हैं, तो ये बोलना कि एक्सपीरियंस नहीं थे मेरे ख्याल ये सच्चाई नहीं। आप पर यह भी सवाल उठा कि जिस तरीके से एम्बुलेंस में सवारी में कि वहाँ पे लोग हो जाए, खासकर महिलाएं होती है या डिलीवरी के साथ है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट देने के फर्स्ट एड करना होता है उसके जो ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर के द्वारा नहीं दिया गया, जो उसे नॉलेज ही नहीं है, उसको कैसे संभाल पाएगा? सेम बात यही बोलूँगा, जब हमने हैंड ओवर लिया था ये प्रोजेक्ट ऐसे चलाई हमने 1 मई से, हमने 7 मार्च को ट्रेनिंग हॉल हैंड ओवर ले लिया था, जो इन जीबीके में पुराने ट्रेनर थे उनको ही, वो हमारे रोल पे काम कर रहे हैं, और 7 मार्च से हमने फील्ड में डिप्लॉय तब करा, स्टाफ पहले उसकी ट्रेनिंग करी, उसके लिए डमीज होते हैं एम्बुलेंस पे सिखाया गया उनको, और कॉल सेंटर में डॉक्टर होता है तो को किसी भी मरीज को इलाज या चाहे डिलीवरी का केस हो तो कॉल सेंटर के डॉक्टर की सहायता से ही वो उसका इलाज किया जाता है। दूसरी बात कि आंकड़े भी गवाह हैं इस बात के, मई में 22 सफल डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई और जून के महीने में 49। अनिल जी, सबसे सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्या वजह था जो 11 साल के तजुर्बे जो पूर्व कर्मचारी के पास था, पूर्व श्रमिकों के पास था, उसको प्रेफर नहीं किया आपने, उसको ऑप्शन नहीं दिया, दूसरे नए लोगों को मौका दिया, वजह क्या था? ये हमारा पक्ष तो ये है, पहले दिन से भी बोल रहे हैं जब हमें एम्प्लॉय चाहिए, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हमारे पास आएगा तो हम उसे क्यों नहीं रखें।
हमने सेवा शर्तों में भी अखबार में ऐड दिया, डिस्ट्रिक्ट में जाके इंटरव्यू कंडक्ट करे, और उसमें ये पहली वरीयता हमारी ये थी कि पूर्व सेवा में जो काम कर रहे होंगे लोग उनको वरीयता दी जाएगी, स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी, और उसी हिसाब से हमने रिक्रूटमेंट करी। इसके अलावा हमने एज लिमिट भी बढ़ाई इसमें, जो पहले 25 टू 35 या 38 थी उसको हमने 45 करा, जबकि सरकार में भी जो आयु सीमा है 42 वर्ष होती है। तो इन सब कदमों का उद्देश्य ये था कि जो लोग पहले भी काम करते थे यदि आज भी काम करने के इच्छुक है तो उन्हें बिल्कुल हमने वरीयता दी, और उसी का ये साक्ष्य है। तो आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं उनको, जो पूर्व कर्मकार्मिक थे उनको मौका दिया, उन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया, ना कि आपने ठुकराया उन्हें? नहीं, हमने ठुकराया किसी को नहीं, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा उन्होंने हमें ठुकराया। कहीं पे कोई आंदोलन करता है तो वहाँ पे जाके तो हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, हमारा तो प्रोसेस है कि हम अखबार में ऐड दिए, उसमें प्राथमिकता के पैरामीटर लिख दिए कि पुराने अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो इच्छुक है काम करने के लिए उसको हम स्कोप ऑफ वर्क समझाएंगे कि काम क्या करना है। आपको अच्छी बात है, तजुर्बा भी है, हो सकता है हम उससे बढ़िया करना चाह रहे हैं, पहले पैरामीटर नहीं दे कितनी देर में जाओगे, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो सब स्कोप ऑफ वर्क में हम समझाते हैं, और उसी का उद्देश्य जो बेसिक ट्रेनिंग देने का था वो यही था, और जो उसमें फिट बैठ था हमारे पैरामीटर में उसे इम्प्लॉयमेंट दिया सब्जेक्ट टू कि उसने अप्लाई किया। तो जीएम साहब, जिस तरीके से 60 दिन से अधिक हो गए धरने में बैठे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के हस्तक्षेप, आपको लगता है कि आपके ऊपर हस्तक्षेप किया है सरकार, इंटरफेयर हुआ है सरकार के बिहाब पे? तो मैं कोई टिप्पणी करने के लिए ना अधिकृत हूँ ना सक्षम व्यक्ति हूँ। हाँ, अपने संस्था की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी उस सेवा में जिसने काम किया है और हमारे पास यहीं पे जगह खाली रहती है तो हम आगे भी उसको प्राथमिकता के आधार पर, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि तजुर्बे का अच्छा काम करने वाला, अच्छे व्यवहार वाला एम्प्लॉई के पास रहे, वो एसेट होता है सर्विस सेक्टर, तो हम आगे भी उसी लाइन। खासकर ये जो आपके साथ प्रदेश के लिए कंपनी, नई कंपनी यहाँ पे है, काम बेशक आप कई सालों से है लेकिन प्रदेश के लिए पहचान आपके बनाना, लगता है इसका कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ उसको सुर्खियों में हाईलाइट होने के उसका फायदा मिला आपको, आप हाईलाइट ज्यादा हो गया? नहीं, हम तो हाईलाइट ये चाहते हैं कि यहाँ के आम पब्लिक उसका हमेशा सहयोग मिला, बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनको हम सर्विस दें, हमारी सर्विस हाईलाइट होनी चाहिए, 108 हाईलाइट होने चाहिए, कैंप नाम हो गुमनाम हो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो सर्विस हम दे रहे हैं वो लोगों की अपेक्षा के अनुरूप, विभाग की अपेक्षा के अनुरूप, और आप भी मॉनिटर करते रहते हैं उस पैरामीटर पर खड़े उतरे तो हम ये समझेंगे। चलिए, ये हम जाने को उसके पूर्व जीविका की कंपनी के बाद में उससे क्या हटके काम करने जा रहा है, जो उसमें कमियां थी खामियां थी उसको दरकिनार करके नई चीज़ अपने अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए हमने पहले गैप एनालिस करा, 11 साल में उन्होंने अच्छी बुरी सब स्थिति से गुजरे, उनके लास्ट फेज में मेन क्या दिक्कत थी हमने ये ऑब्जर्व करा, हमारे संज्ञान में आया जैसे तेल से रिलेटेड फ्यूल के इशू होते थे उसको रिजोल्व करने के लिए हमने दो दो पेट्रो कार्ड दिए इंडियन ऑयल और HPCL के। दूसरा ये था कि एम्बुलेंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसी हो, उसके लिए GPS डिवाइस लगाई गई। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह क्या होता है कि एक बार आदमी कॉल करता है कुछ देर बाद उसका नंबर नहीं मिलता, नेटवर्क का इशू होता है, तो इसमें हमने एडिशनल ये ऐड करा कि जिसको सर्विस चाहिए उसको अलॉटेड एम्बुलेंस के स्टाफ का नंबर, गाड़ी का नंबर आपस में शेयर कर दिए गए एम्बुलेंस वालों से भी और सेवा चाहने वालों से, तो आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए दोबारा बार बार उसको कॉल सेंटर में कॉल नहीं करना पड़ता, वो आपस में ही बात करके, तो इससे समय से इमरजेंसी साइट पे एम्बुलेंस पहुंच पाए। जी अनिल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि विरोध के बाद आदमी का हताशा निराशा होता है, लेकिन उसको कहीं आप हटके काम करते नजर आए, दो महीने में अचीवमेंट आप करते जा रहे हैं, तो उसका लगता है कि जो आने वाले प्रभावित जो लोग थे कि कहीं ना कहीं विरोध हर काम में होता है, नए काम में होता है, विरोध करना, तो उसको लक्ष्य हो गया, पता था आपके साथ ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसे कोई लक्ष्य नहीं था, हमें अपना लक्ष्य पता था कि हमें एक जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश की सेवा का मौका मिला है और हमें अपने को भी सिद्ध करना है, और इस सर्विस की इतनी ज्यादा जरूरत है, मैं आपको सही बताऊँ कि 99 केस में
आप समय पर रिस्पॉन्स देते हैं, समय पर पहुंचते हैं। यदि एक केस में आपसे थोड़ी लापरवाही हो जाती है तो 99 केस या उतनी आत्मा पे हमेशा बोझ रहता है कि उस एक आदमी की जान हम बचा सकते हैं। तो हमने इसी लक्ष्य से, सेवा भाव से और चुनौती के तौर पे इसको लिया और उसमें हम सफल हुए। जिस तरह के खास कर आपको संचालित करने के लिए सब जो टीम होते, वर्क चाहिए होता है, कितने लोगों की जरूरत होती है आपकी कार्मिक की कंप्लीट टीम के, कितना क्या काफी पीछे है, कितना पूरे फुलफिल कर लिया? 139 एम्बुलेंस चला रहे हैं और एक टेरी झील में बोट है, तो उसके हिसाब से और उसकी रिलीवर ड्यूटी ये सब कैलकुलेट करके हमने 700-700 का लक्ष्य रखा था और 30 जून में हमारे पे 700-700 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो लक्ष्य के हिसाब से दूरी है रिक्रूटमेंट। हाँ, केस टू केस क्या होता है कि किसी को कहीं जॉब मिल गई या ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कुछ अन्य उसकी मजबूरी हो गई, तो इसमें रिप्लेसमेंट यदा कदा उसकी आवश्यकता। अनिल जी, 2 महीने के दौरान में सबसे आपका चुनौती, सबसे मुश्किल भरा जाए कोई कुछ ऐसे वर्ड्स बताइए जो सामना कर करते हो, जो उसमें नजर आए अब उसको लगा कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है लेकिन उसे भी कम्प्लीट कर लिया आपने? चुनौतियां तो कही थी और चुनौतियां हमने ये नहीं मानी कि फला आदमी विरोध कर रहा है, फला सहयोग कर रहा है। हमने चुनौती ये मानी कि सारी एम्बुलेंस कैसे हम प्रॉपर चला पाएं, कैसे ऑन बोर्ड करें, कैसे उसमें भविष्य में बाधा ना हो। देखिए, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि एक महीना अच्छा चला दिया, हम हमेशा कसौटी पे खड़े उतरे जाएंगे। ये आपातकालीन सेवा है, इसकी हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। तो हम ये चाहेंगे कि सिर्फ ये तो शुरुआत है, पूरे 5 साल बेहतर से बेहतर चला पाए। और चुनौतियों को हम ये मानते हैं कि सामने वाले का उद्देश्य भी यही है, अप्रोच डिफरेंट हो सकती है लेकिन बोल तो वो भी यही रहा है। यदि वो ये बोलता है कि इसको ट्रेनिंग नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो वो बात हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि इस चीज़ में हम और बेटर क्या जोड़ सकते हैं, कि जो भी सवाल किसी के मन में है उसका बेहतर जवाब अपने कार्य से बोल के नहीं। ये 2 महीने के दौरान एक सवाल भी उड़ा को उठा, आपको उसका सिंगार मामला होगा, मैं भी पहले भी आपसे वार्ता भी किया था, एक सवाल उठा दिया कि नारे नहीं कहते, मैं आप टाइम से वक्त में आप गाड़ी नहीं पहुंच पाई, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो बालिका निकेतन और नारी निकेतन शाम के समय का एग्जैक्ट केस तो मुझे याद नहीं है लेकिन वो 18 मिनट में गाड़ी पहुँच गई थी। इस इशू को ही मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि शहर में ट्रैफिक का इतना जाम है कि आजकल 4 धाम में जाम, उसके लिए हमने थोड़ा सा ये सोचा कि एम्बुलेंस की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, वो दोनों अस्पताल है, दोनों अस्पताल में ही रहे, उसकी लोकेशन थोड़ा सा दाएं बाएं ऐसे करी जा सके कि जैसे प्रिंस चौक के जाम में फंस जाती है, तो उसकी लोकेशन हमने इस बात को चैलेंज के तौर पे लेते हैं। हम कोई भी केस हो या खुद अपना टाइम मॉनिटर करते हैं लेकिन उसको बेटर कैसे करा जा सकता है। एम्बुलेंस यहाँ से तो भेज दी, अपनी लोकेशन में खड़ी है, वहाँ से निकलने में उसको 5 मिनट यदि खराब होते हैं, तो उस सब इशू पे हम काम कर रहे हैं और ये कंटिन्यूस काम करने वाली प्रक्रिया है। तो क्या उस घटनाक्रम से आप सबक सीखने की कोशिश की है? आपको लगता है ऐसे सवाल उठे थे आप पर, खासकर कंपनी के ऊपर, यदि टाइम से वक्त से सही पहुंचाया जाता तो महिला जो बच्ची थी उसे बचाया जा सकता है, उस घटनाक्रम से सबक सीखिए, आपने क्या लिया? उस केस की तो कहानी है कि वो जब कॉल आया था तो कॉल ही यही आया था कि अनकॉशियस है पेशेंट, लेकिन हम 18 मिनट में पहुंचे। छापने वाले ने तो शायद कुछ ज़्यादा टाइम बताया था, उस आपने खुद ये सवाल पूछा था, तो उस केस की डिटेल पता करी थी हमने कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर में कब कॉल आ रही है, कब एम्बुलेंस डिस्पैच हुई और कब लोकेशन पर पहुंची, ये सारा डेटा हम पे रहता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 18 क्यों, 15 क्यों नहीं, या उस केस में क्यों, हर केस में, चाहे वो मीडिया में आए चाहे मीडिया में नहीं आए, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है किसी भी कंडीशन में कि समय से रिस्पॉन्स करा है, क्यों आपातकालीन सेवा ही ऐसी सेवा है कि जितना जल्दी, वो गोल्डन पीरियड होते हैं जान बचाने के कि पेशेंट को उसकी लोकेशन से अस्पताल तक पहुँचा। शर्मा जी, एक अहम सवाल हमारे श्रमिक और दर्शकों का बताइए कि आपके एम्बुलेंस के रहे थे, ऐसा कोई सुविधा अपडेट है जो ड्यूरेशन होता है जहाँ से क्रिटिकल घटनाक्रम होता है, घटनास्थल से लेके हॉस्पिटल तक पहुँचाने के बीच में कोई ऐसे क्रिटिकल पोजीशन आ जाता है, उसके बचाने के लिए, जान बचाने के लिए क्या कुछ पहल कर सकते हैं आप? जी हाँ,
इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन द्वारा ईएमटी द्वारा पहले पल्स जांच, शुगर वगैरह की जांच करी जाती है और कॉल सेंटर के डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहता है। रास्ते में कहीं पे भी क्या सपोर्ट की जरूरत है तो कॉल सेंटर से जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको सलाह देते रहते हैं और अस्पताल तक स्टेबल करके पेशेंट को पहुँचाना, यही हमारी मुख्य जिम्मेदारी। ये थे हमारे साथ आज के मेहमान अरुण अनिल शर्मा जी, जिस तरीके बताए खासकर स्वास्थ्य सेवा को लेकर 108 चुनौती भरा काम था, दो महीने के अंदर जिस तरीके से अपने लक्ष्य को पार करते हुए दिखाई दी, कहीं ना कहीं लगातार विरोध होने के बाद अपने लक्ष्य के तब जवाब फोकस किया, लक्ष्य से पीछे नहीं हटे, उसका परिणाम यह है कि लक्ष्य के बहुत आगे निकल चुके, इनका फोकस है यहाँ के प्रदेश के लोगों को सुविधा बढ़कर मिले, अब पूर्व से जीविके से बेहतर मिले, इसी लक्ष्य को लेकर अपना मिशन को कामयाब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मेन मिशन है कैंप, खासकर जो पूर्व अन्य राज्यों में स्थापित है, प्रदेश के लिए नई कंपनी जरूर है लेकिन ये तजुर्बेकार इनकी जो टीम है स्पेशल की बात स्पेशल से यहाँ पे देहरादून के लिए एक चुनौती भरा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सर्विस देते हुए आगे भी नजर ऐसे ही आएंगे।